नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं कृति। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा पांडे, जो कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं और रूबेन ह्यूमन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में ये कार्यरत हैं, वहां पर गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे हम जानेंगे खास करके स्त्रियों के बारे में कि स्त्रियों में किस तरह के रोग अक्सर इनको देखने को मिलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम इनसे बात करेंगे। तो मैम, सबसे पहले बताइएगा कि आपके यहाँ जितने भी केसेस आते हैं, तो आपको ऐसा कौन सा कोई बीमारी है महिलाओं को जो आप अक्सर हैंडल करती हैं, या फिर ऐसे कोई कॉमन बीमारी अभी फ़िलहाल की, मतलब अगर हम अभी की बात करें, जो आपको अक्सर देखने को मिलती हैं? नमस्कार, सबसे पहले तो न्यूज़ फॉर नेशन के सारे दर्शकों को मेरा अभिनंदन। जहाँ तक हम स्त्री रोग विभाग के ओपीडी की बात करें, तो सबसे कॉमन जो हम लोग स्त्रियों को देखते हैं, जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, वो एक्चुअल में रोग नहीं है, दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज़ प्रेगनेंसी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो गर्भावस्था के दौरान हमारे पास आते हैं। इसके सिवा प्रत्येक एज ग्रुप में जैसे एडोलसेंट लड़कियों में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे PCOD या मासिक से रिलेटेड समस्याएं, जो कि हम लोग कॉमनली देखते हैं। इसके सिवा जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल हैं, उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, इन्फेक्शंस, ओवेरियन सिस्ट या बच्चादानी से रिलेटेड, या इनफर्टिलिटी, जो कि आजकल एक प्रमुख समस्या बन के उभरा है। इसके सिवा जब हम थोड़ी प्रौढ़ अवस्था में जाते हैं, पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में देखते हैं, तो उनमें कई तरह की अलग मासिक समस्याएं हैं जो हम लोग कॉमनली देखते हैं। इसके सिवा गायनोकोलॉजिकल कैंसर एक अलग विषय है जो कि आजकल काफ़ी देखने को मिलता है। और मैम, ये जो महिलाएं हैं, जो मान लीजिए जो ग्रामीण महिलाएं हैं, बहुत दूर से आई हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वो अपनी बीमारी को बताने में, या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताने में वो हिचकती हैं, या वो खुल करके आपसे बात कर पाती हैं या डॉक्टर से बात कर पाती हैं? देखिए, जागरूकता की तो कमी है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में। डॉक्टर के पास जब तक आते हैं, कई बार बहुत लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ बीमारियों में आते हैं, या फिर हम कई बार देखते हैं एक छोटा गांठ है जो प्रॉब्लम मेडिसिन से ठीक हो सकता था, लेकिन पहले या तो जानकारी नहीं थी, अपने परिवार में डिस्कस नहीं किया, शर्म की वजह से या किसी वजह से आपस में परिवार वालों से डिस्कस नहीं किया, और जब तक हमारे पास आते हैं तब तक काफ़ी वो चीज़ बढ़ जाती है। फिर भी मैं कहूँगी काफ़ी जगह पॉजिटिव स्टेप्स देखने को मिल रही हैं। कई जगहों पे हम लोगों ने स्त्रियों को जागरूक देखा है, जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके कई बार हम लोगों ने स्तन कैंसर को देखा है, कि इवन ग्रामीण इलाकों से महिलाएं जो हैं, वो अगर वो जागरूक हैं, जान रही हैं कि स्तन का एग्जामिनेशन जैसे हम लोगों ने किया 15 दिन पे, तो कई प्रकार की बीमारियाँ पकड़ सकते हैं। इसके सिवा कमी है, जागरूकता में कमी है, एक्सप्रेशन में कमी है, हेल्थ केयर सिस्टम रेफरल सेंटर तक पहुंचने में कमी है, तो वो कमी तो है। तो जैसा आप बता रही कि महिलाएं उतनी सजग नहीं हैं, उतना अवेयरनेस उनमें नहीं है, खास करके ग्रामीण में, तो आपको ऐसा क्या लगता है, आप खुद एक डॉक्टर हैं और महिला भी हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कि ताकि वो खुलकर अपनी बातों को रखें, क्या कुछ करना चाहिए, एक चाहे वो सरकार की तरफ से हो या एक इंसान के खुद की बात किया जाए, अगर एक पर्सनल लेवल पे बात किया जाए, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि अवेयरनेस हो, लोग सजग रहे, खास करके महिलाएं? देखिए, स्टेप्स तो कई हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सब लोग जिसको एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मूवीज़, अभी अक्षय कुमार की कोई मूवी आई थी जिसपे मेंस्ट्रुअल हाइजीन की काफ़ी बात हुई थी, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, तो वो एक माध्यम है कि हर जगह लोगों को पता चल रहा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, सैनिटरी पैड्स का यूज़ क्यों कंपल्शन है। तो ये एक छोटा सा हमने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, जो स्वास्थ्य केयर वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जो ग्रामीण लेवल पे काम कर रही हैं हमारी बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर है, ये सब लोगों का इसमें रोल है। इसके सिवा जो टेलीविजन एड्स आते हैं, उसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, ये सब लोगों को आजकल काफ़ी बता रहे हैं, और ये और ग्रास रूट तक जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके सिवा आजकल कई जगह स्कूल्स के भी जो उनका
सिलेबस है एक काइंड में, उसमें यंग गर्ल्स को जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के लिए, इवन कई सरकारी स्कूलों में उनके लिए अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। इसके सिवा सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस के लिए सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं हैं, जननी सुरक्षा योजनाएं हैं, एम्बुलेंस सेवा अवेलेबल करवाई गई है। इसके सिवा फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस की काफ़ी सारे PHCs में ट्यूबल लाइगेशन सर्जरीज या कॉपर टी इंसर्शन वगैरह ये सब मुफ्त किया जा रहा है, और अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बट कम है। और एक जो चैनल्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट एज अ लेडी ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने आसपास अगर किसी को देख रहे हैं, किसी को जानकारी की कमी है और प्रॉब्ली हम ये महसूस कर रहे हैं कि उसको एक हमारी तरफ से टिप या हमारी तरफ से कोई सलाह या हमारी तरफ से एक छोटा हेल्प उसकी मदद कर सकता है, तो वो कदम हर स्त्री को अपने चार, अगर हम सोच लें कि मैं ही अपने पांच कोई अंडर प्रिविलेज स्त्री है उनको सिखाऊं कि क्या जागरूकता है, तो इट विल मेक अ गुड चेंज। सो इट कुड बी अ चेन मूवमेंट, हर कोई पांच लोगों को भी आप जागरूक करने का मिशन बना लें तो वो बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल सही बात कही, मतलब अगर हम ही एक दूसरे को अवेयर करें, आस पास में देखिए प्रॉब्ली पाँच ऐसी लेडीज होंगी जो अंडर प्रिविलेज होंगी, आप जागरूक हैं, आप उनको जागरूक कर सकती हैं। हर चीज़ सिस्टम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, वी ऑल्सो कैन मेक अ चेंज। अगर अभी की बात की जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में अगर बात की जाए तो प्रेगनेंसी को लेके जो प्रॉब्लम्स है वो अभी थोड़े ज़्यादा आते हैं केसेस आपके पास, या चीज़ें वैसी ही हैं? देखिए प्रेगनेंसी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंसेप्शन इनफर्टिलिटी इश्यूज़ आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं। द मेन रीज़न बीइंग डेफिनेटली लेट एज ऑफ मैरिज, मोर लाइक आजकल कैरियर और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस करने के लिए कई बार हम खुद पोस्टपोन करते हैं, जब चाहते हैं तब नहीं होता है, तो इनफर्टिलिटी की समस्या और प्रेगनेंसी जो एडवांस एजेस में हो रही हैं उससे रिलेटेड कई समस्याएं हैं जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। बीपी या शुगर की बीमारी प्रेगनेंसी में, या थायराइड की बीमारी, उसके इंसिडेंसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, तो वो सारी समस्याएं हैं जो हम लोग आजकल ज़्यादा देखने को देख रहे हैं। तो मतलब जो महिलाएं हैं या जो लड़की है, हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, उनको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और खान पान को लेकर के आपको ऐसा लगता है कि खान पान में कुछ अंतर पड़ा, इसकी वजह से भी शायद ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह सामने आती हैं, या फिर खान पान को लेकर के लोग, महिलाएँ जो हैं सो उतनी सजग नहीं रहती हैं या उन्हें पता नहीं रहता, क्योंकि जंक फूड ज़्यादा आजकल लोग खा रहे हैं? डाइटरी हैबिट्स तो एक पार्ट है, ठीक है, डेफिनेटली जो पहले का जो खान पान था अभी में काफ़ी चेंजेस हैं, जंक फूड का भी प्रभाव है। एक फूड पिरामिड ऐसा हो जिसके बेस में खूब सारी सब्जियां हों, जैसे ऊपर गए तो मिल्क प्रोडक्ट्स, और उसके ऊपर गए तो सीरियल्स, एक पिरामिड जिसका ब्रॉड बेस हो, जिसमें खूब सारी हरी सब्जियां, नेचुरल चीज़ें बेस पे हों, जैसे ऊपर जाते रहे एपेक्स पे लेस ऑफ ऑयल फैट, ऐसा कोई डाइट रिजीम हम लोग अपनाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा होता है। इसके सिवा आजकल सप्लीमेंट्स की भी काफ़ी ज़रूरत हम लोगों ने देखी है, क्योंकि विटामिन डी एक्सपोजर नहीं है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, तो काफ़ी लोगों को विटामिन डी सप्लीमेंट्स वगैरह भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें या ऐसे कोई पॉइंट जो आप हमारे साथ जितनी भी जुड़ी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उनको आप बताना चाहें ताकि वो अवेयर रहें, अगर इन फ्यूचर अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो तैयार रहें? देखिए हर बीमारी अलग लक्षण से आता है। अगर मैं आपको छोटा सा नमूना दूं, जैसे कि समझ लीजिए सबसे डेडली बीमारी आज के दिन में कैंसर मानते हैं, तो बच्चादानी के कैंसर बहुत अच्छा कैंसर है क्योंकि आपको बहुत समय देता है, बहुत लंबा प्री कैंसरस स्टेज होता है। तो कुछ चीज़ें जैसे आप पहले से पिक करें, जैसे फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज, मतलब बहुत गंदा बदबूदार सफ़ेद पानी जा रहा है, मासिक दो मासिक के बीच में ब्लीडिंग होना, महीना बंद हो जाने के बाद मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, वजन काफ़ी ज़्यादा कम होना, ये सब साइन सिम्टम्स बच्चादानी के मुंह के कैंसर या ओवरी के कैंसर के हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि स्तन एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को हम लोग बहुत इनकरेज करने के लिए बोलते हैं। आइडियली अगर आप किसी प्रकार का गांठ महसूस कर रही हैं, निप्पल से कोई डिस्चार्ज महसूस कर रही हैं जो कि ब्लड स्टेन्ड हो, निप्पल पे कोई ग्रोथ महसूस कर रही हो, या स्किन में कोई कलर चेंज महसूस कर रही हैं, ये सब साइंस
कैंसर का हो सकता है, तो ये छोटे लक्षण हमने बताए कि आप बड़ी बीमारी को पहले से पता कर सकती हैं। इसके सिवा रूटीन लाइफस्टाइल अच्छा रखें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन, अच्छा रेस्ट, अच्छा एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री जीवन शैली, ये सब प्रयोग में लाएं तो चीज़ें अच्छी होंगी। और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जैसे खर्च की अगर बात करें तो अब बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो खर्च के कारण नहीं अस्पताल जाती हैं, कई बार जैसे पहले भी होता था गांव में, आज भी होता है कि नहीं जाती हैं महिलाएं हॉस्पिटल, नहीं जाती हैं डॉक्टर के पास, नहीं जाती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तरह की बीमारी होती है इस दौरान। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि मतलब आपको ऐसा कभी कोई केस देखने को मिला है कि खर्च की वजह से लोग नहीं आ रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस चीज़ में खर्च थोड़ा ज़्यादा है इस वजह से महिलाएं नहीं आती हैं? देखिए, कॉस्ट फैक्टर तो हर चीज़ में रहता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीनिंग सर्विसेज जो है वो अफोर्डेबल रेट पे है, कई जगह निःशुल्क भी उपलब्ध है, तो कॉस्ट फैक्टर को रख के स्वास्थ्य खराब करना ये किसी दिन अच्छी सलाह नहीं है। तो थोड़ा अब अगर आपको जहाँ भी सहूलियत हो, जो आपकी आंगनवाड़ी आशा वर्कर है उनसे डिस्कस कीजिए, जहाँ भी सहूलियत हो, घर के पास की जगह है वहाँ पर जाके आप चेकअप ज़रूर कराएं। कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि महिलाओं के हाथ में फाइनेंस बजट भी होता है तो वो सोचती ज़रूर हैं, लेकिन वो छोटा बचाने के चक्कर में कई बार बड़ा खर्चा हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैम, आप रूबेन हॉस्पिटल में हैं तो उसके बारे में आप बताइए कि वहाँ पे महिलाओं को क्या क्या सुविधा है, या फिर जो भी जितने भी पेशेंट आते हैं उस हॉस्पिटल में लोगों को क्या क्या सुविधा मिलेगी, और क्या क्या वहाँ पर ऐसी आकर्षक चीज़ें हैं जो लोग वहाँ पर लाभ उठा सकते हैं? देखिए, रूबेन ग्रुप का हमारा हॉस्पिटल है रूबेन हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। ये एक विजन है सर का कि जो हर वर्ग के लोग को एक अच्छी सुरक्षित डिलीवरी की सेवाएं मिले, पेनलेस डिलीवरी की सेवाएं मिले, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एज वेल एज हाई रिस्क नियोनेट, माँ हाई रिस्क या बच्चा हाई रिस्क, दोनों में से किसी को भी अगर सुविधा की ज़रूरत है तो हम 24 घंटे हमारे पास स्पेशलाइज गायनोकोलॉजिस्ट और स्पेशलाइज पीडियाट्रिशियन, स्पेशलाइज एनेस्थेटिक अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास NICU है। इसके सिवा वहाँ हर तरह की एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। ये सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छे दरों पे और आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर ऋचा पांडे, जो कि रूबेन वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी हैं हमें, और ख़ास करके अवेयरनेस को लेकर के बहुत अच्छी बातें भी बताई हैं, और काफ़ी सारी सुविधाएं इनके अस्पताल में मौजूद हैं। तो इन सारी सुविधाओं का आप भी लाभ उठाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।